भाई साहब, सितंबर की जो औकात बड़ी हुई थी ना, लग रहा है सितंबर शुरू होने से पहले ही इसको किसी की नज़र लग गई। जी दोस्तों, जिन दो फिल्मों की वजह से इस बार सितंबर को इतने फुटेज मिल रहे थे, लग रहा है किसी की काली जुबान ने इसको नज़र लगा दी, क्योंकि ऐसे सितंबर और ऐसे सालार मूवी हो चुकी है पोस्टपोन। बिल्कुल सही सुना आपने, मेकर्स ने कल ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि सालार मूवी को पोस्टपोन करा जा रहा है। अब जैसे ही ये पोस्टपोन वाली न्यूज़ सामने आई, दुनिया भर की प्रिडिक्शंस होने लगी, जिसमें से सबसे बड़ी प्रिडिक्शन ये हो रही है कि, और ये फैन बेस लड़ाई चल रही है, क्योंकि जंगल का राजा तैयार बैठा है 7 सितंबर को दहाड़ मारने के लिए, मीन्स जवान तैयार बैठी है 7 सितंबर को फटने के लिए। तो एसआर के फैंस यहाँ ये मजाक उड़ा रहे हैं कि जवान के ट्रेलर से लग रहा है डायनासोर डर गया, क्योंकि जवान का ट्रेलर वाकई बहुत दमदार है, शानदार है, ये मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन मैं कहूँगा ये सच बिल्कुल नहीं है कि प्रशांत नील जवान के ट्रेलर से डर गए हैं तब पोस्टपोन कर दिया, बिल्कुल नहीं। उनके पास अपने रीजन है, और कुछ एक न्यूज़ रिवीलर्स ने ये बताया भी है कि प्रशांत नील का कहना है कि मूवी की जो हाइप है उस हिसाब का ना अभी काम हुआ नहीं है मूवी में। इट मींस ये कि जिस हिसाब के लिए, जिस चीज के लिए जनता वेट कर रही है इतने लंबे समय से, तो वो परफेक्शन मूवी में अभी नजर नहीं आ रहा है, खासकर वीएफएक्स वाले पार्ट में। तो वीएफएक्स में उतना दम देखने को नहीं मिल रहा था, दैट्स व्हाई कि उन्हें और थोड़ा समय चाहिए मूवी में इंप्रूवमेंट्स करने के लिए, क्योंकि जब फैंस इतने लंबे समय से रुके हैं तो वो फैंस को सबर का फल मीठा देना चाहते हैं, एक बेस्ट कॉन्टेंट देना चाहते हैं। देखो, अब मैं कहूंगा कि हाँ, जवान का असर तो हुआ है बाबा, कैसे, क्योंकि जवान का ट्रेलर और प्रीव्यू अच्छी तरीके से तो देखा ही होगा प्रशांत नील ने, और जब अपना ट्रेलर देखा होगा तो कुछ ना कुछ उन्हें कमी नजर आई होगी, कंपेयर तो करा होगा, क्योंकि यह फाइट ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है जवान वर्सेस सालार, और पूरा भारत इस वॉर को देखने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि इतने बड़े रिकॉर्ड्स एक साथ टूटने वाले हैं, बहुत अमेजिंग रिकॉर्ड एक साथ टूटने वाले हैं, मतलब पानी की तरह ये सारे रिकॉर्ड्स टूटे जाएंगे। देखो, सालार का जो हाइप है 1000 करोड़, इसके सामने बहुत ईजी नंबर लग रहा है, और यह सालार करके भी ले जाएगी, क्योंकि केजीएफ यूनिवर्स का जो सीधा बूस्टर मिल रहा है मूवी को, और इस मूवी के पास दो कैटेगरी के फैन हैं, एक तो केजीएफ यूनिवर्स से जुड़े हुए, दूसरा प्रभास के खुद अपने फैंस। तो यहां पर नुकसान सिर्फ यह हुआ है कि फैंस का दिल टूट गया है और कुछ नहीं, क्योंकि एक तरफ से एसआर के फैंस जो रौला मचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रभास के फैंस भी लंबे समय के बाद तांडव मचाने को तैयार बैठे थे, क्योंकि इन बंदों ने आदि पुरुष जैसी डिजास्टर मूवी तक को सपोर्ट किया था एक बार के लिए। तो जो उम्मीद थी सालार मूवी के लिए, वो जो लगाकर बैठे थे, वो पानी में मिलती जा रही है। लेकिन एक बड़ी बैरी चीज ये हो रही है कि जब पोस्टपोन कोई मूवी करी जाती है तो बहुत सोच समझ कर करा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है सब डेट वगैरह फिक्स करके, क्योंकि देखा जाए तो 28 सितंबर एक बेस्ट डेट थी, और 21 दिनों का गैप इनफ था जवान को कमाई करने के लिए और सालार को बेस्ट ओपनिंग के लिए, एक बेस्ट प्रमोशन और प्रचार करने के लिए। लेकिन पोस्टपोन की खबर तो दे दी, पर मूवी रिलीज कब होगी ये नहीं बताया है अभी तक, क्योंकि ये चीज तय हो जाती है पहले ही, अगर पोस्टपोन कर रहे हो, नई डेट कौन सी होने वाली है ये तय हो जाती है पहले ही। लेकिन अभी तक शायद इस न्यूज को 24 घंटे हो चुके हैं पूरे, और अभी तक न्यू डेट रिवील नहीं करी गई है मेकर्स के द्वारा कि सालार कब रिलीज होने वाली है। तो एक थ्योरी यहां से ये भी निकल रही है कि शायद ये खुद को कमजोर दिखाकर एक सिंपथी वाला प्रमोशन तो नहीं है, क्योंकि कल जब से न्यूज आई है जवान का ट्रेलर कहां गया, किसी की जुबान पे ये बात नहीं घूम रही है, बस चर्चा इसी की चल रही है कि मूवी क्यों पोस्टपोन कर दी, अब कब रिलीज होगी वगैरह वगैरह। तो अचानक कहीं न्यू पोस्टर रिलीज होता है और रिलीज डेट 28 सितंबर ही रही, तब भाई साहब मास्टर प्लान गेम, पूरा सिनेरियो बदल कर रख देगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा, क्योंकि सालार को इन 24 घंटों में बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल चुका है, बहुत ज़्यादा नाम मिल चुका है, सालार इस टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन एक चीज़ ये भी तो सही हो सकती है, क्योंकि प्रशांत नील शायद परफेक्शन की तलाश में हो, और वाकई में हो सकता है वीएफएक्स का पार्ट कमज़ोर लग रहा हो, क्योंकि डरने वाले में से ये बंदा है नहीं, और ये चीज़, ये हौसला इस बंदे का ये साबित करता है, यहाँ से साबित करता है, जब एसएस राजामौली के नाम से जुड़ी फिल्म आरआरआर का ट्रेलर आया था, जिसके पास बाहुबली जैसे फिल्म का टैग हो ऐसे डायरेक्टर के पास, उसके जस्ट कुछ घंटों बाद प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर रिलीज करा था, और जो आग लगाई उसने, फिर हम सब जानते हैं, वी नो ऑल द रिजल्ट। तो ये कहना कि डर गया जवान से, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, बस प्रशांत नील को भी काम करते हैं परफेक्शन के साथ काम करते हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं एक परफेक्शन के साथ करते हैं, और ये चीज़ हम केजीएफ चैप्टर 1 और 2 में देख चुके हैं। तो वेट एंड वॉच, धमाका होगा, सरप्राइजली होगा, और डायनासोर सिर्फ
कहानियों में ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सामने भी आएंगे, ये प्रूफ करेंगे सालार मूवी के साथ प्रशांत जी। दूसरा लास्ट चर्चा ये कि नई डेट कौन सी हो सकती है, मींस अब मूवी कब आ सकती है। तो अगर मैं बता दूं अक्टूबर में थालावती विजय मोस्ट मच अवेटेड मूवी के साथ अपनी लियो मूवी के साथ पहले ही कब्जा जमा के बैठे हैं, नवंबर में टाइगर वापस आ रहा है और पूरा स्पाई यूनिवर्स हिला के रख देगा, दिसंबर में एनिमल पहले ही तैयार बैठी है जिसका डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा पहले ही बोल चुका है ये बंदा कि इंडियन सिनेमा को मास मूवी की औकात बता दूंगा, और जनवरी में प्रभास की अपनी खुद की फिल्म कल्कि 28-29 पहले ही इंतजार कर रही है, और अगर फरवरी में पहुंचा दी इसकी रिलीज डेट तो सालार का जो हाइप सेट है अभी वो सब ठंडा पड़ जाएगा। जो कमाई अभी 28 सितंबर को होने वाली थी मुझे नहीं लगता कि ऐसी ग्रोथ तब होगी, क्योंकि वही बात है ना, जब एक बार भूख मर जाती है तब आपके सामने सोना भी परेश को रख दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सालार की भूख अभी है जनता को। तो मैं कहूंगा लगभग 5-7 अक्टूबर के आसपास मूवी को रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि जनता ज्यादा वेट नहीं करेगी। अब तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मूवी पोस्टपोन हो चुकी है या बस एक चाल है मेकर्स की और उसी दिन मूवी आएगी, और आपके हिसाब से क्या सालार को फरवरी में ही रिलीज करा जाना चाहिए या फिर किसी भी एक सॉलिड ओपोनेंट से भिड़ जाओ और डायनासोर को बाहर निकाल दो, या फिर पूरी चर्चा हर एक रीजन मैंने आपके सामने रख दिया है, तो आपके हिसाब से न्यू रिलीज डेट क्या होनी चाहिए, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।